खबरों में आगे बढ़ते रुख अगली जानकारी का। पंचकुला से आपको बड़ी जानकारी बता दें, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज अहम बैठक होगी। पंचकुला से ये ब्रेकिंग न्यूज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज अहम बैठक है। गृह मंत्री अनिल विज बैठक में शामिल होंगे। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे पुलिस मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पुलिस के आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। हालांकि किस तरह से मीटिंग में फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ बदलाव होता है अगर, वो जरूर देखना होगा। लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए नजर आएंगे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को घेरने का काम करती है, और ऐसे में पुलिस विभाग के आला अधिकारी गृह मंत्री अनिल विज के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल महत्वपूर्ण बैठक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दोपहर 3 बजे ये मीटिंग होगी पुलिस मुख्यालय में, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर 3 बजे, गृह मंत्री अनिल विज भी इसमें शामिल होंगे, तो पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल रहेंगे। दोपहर 3 बजे पुलिस मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। और उमंग श्योराण हमारी सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए पंचकुला से हमारे साथ जुड़ गई। उमंग, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज महत्वपूर्ण बैठक पंचकुला में होने जा रही, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज, पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ समय सीमा इस मीटिंग की, और किस तरह से महत्वपूर्ण है ये कानून व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज पंचकुला के सेक्टर 6 से हरियाणा पुलिस मुख्यालय में ये बैठक होगी, जिसमें अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे, साथ ही गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डीजीपी सहित पुलिस के तमाम जो एडीजीपी हैं, आईजी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये सुरक्षा को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की जो है रिव्यू बैठक है, जिसकी अध्यक्षता आज मुख्यमंत्री करेंगे। पंचकुला में पुलिस हेडक्वार्टर में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। जी उमंग, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की पार्टियों का अगर हम जिक्र करें, तो लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच, विपक्ष के आरोपों के बीच आज ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, किस तरह से इम्पोर्टेंट है ये कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष भी लगातार हमलावर रहती है सत्ता पक्ष पर, कानून व्यवस्था को लेकर अगर प्रदेश में कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटती है तो। लेकिन आपको बता दें कि अगर कुछ दिनों, पिछले कुछ महीनों की बात करें, तो हरियाणा पुलिस द्वारा कई तरह के विशेष अभियान चलाकर कई तरह के अपराध पर रोक लगाई गई है। अगर बात करें नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में एक बड़े कैंपेन के तौर पर की गई है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के तहत सैकड़ों मामले जो है पूरे प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में दर्ज किए गए हैं। जो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करते हैं, जुआ खेलते हैं, इन लोगों के खिलाफ, शराब तस्करी वालों के खिलाफ, और इसके अलावा जो संगीन अपराध हैं उनके खिलाफ, उन अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए कईयों को सराखों के पीछे पहुंचाए गए। तमाम फैक्ट और डाटा जो है आज रिपोर्ट हरियाणा पुलिस द्वारा इस बैठक में मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। जी बिल्कुल उमंग, और देखना भी यही कि आखिर किस तरह से और नई मुहिम योजनाओं के जरिए कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।